न्यूज के रिपोर्टर जमीर, जो कि 3 दिन कबल करीमनगर जिला में तेलंगाना बारिश की कवरेज करते हुए बह गए थे, आज उनकी नाश दस्तियाब हुई और गाड़ी को भी वहां से दस्तियाब कर लिया गया। NDRF रेस्क्यू ऑपरेशन का अहाता करते हुए इनकी आखिरी वीडियो भी देखी जा सकती है। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब जमीर और उनके एक और साथी सैयद रियाज अली बोरनापल्ली से जगतियाल वापस आ रहे थे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा था कि वो एक स्विफ्ट डिजायर कार में सफर कर रहे थे। रामोजी पेट गाँव पहुंचे, उन्होंने मरकजी सड़क से शॉर्टकट लिया था। जब इन लोगों ने रामोजी पेट और भूपतिपुर के दरमियान सैलाब ज़दा सड़क को उबर करने की कोशिश कर रहे थे तो कार वहां से बह गई। सैलाबी पानी कार को बहा ले गई। वहां पर मौजूद दीगर अफराद ने मदद करने की कोशिश में सैयद रियाज अली को बाहिफाजत कार से खींच लिया, लेकिन जमीन वाकये के बाद लापता हो गए। लापता सहाफी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी था और आखिरकार 3 दिन बाद रिपोर्टर जमीर की नाश को आज दस्तियाब कर लिया गया।